बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फलाज व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है स्टार्ट हो रहा है, आज से 4 दिन पहले सीन कुछ ऐसे थे कि गर्मी की शिद्दत जो है ना फुल ऑन हुई हुई थी, और उसके बाद जो है ना हमारे यहाँ लाइट्स पता नहीं क्या हो गया था उनको अचानक, तो मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो पूरा दिन हमारे यहाँ लाइट जो है वो नहीं होती थी, और इस वजह से फिर मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं करती थी। और यहाँ पर जो है ना बस जब लाइट आई थी तो मैंने फालसी का जूस बनाकर अपने फ्रिज के अंदर रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आगे पीछे जूस जो है ना वो पड़ा हुआ था और मैं पीती रहती थी, क्योंकि एनर्जी ज़रूरी है। खैर, सो ये था कि भाई मैंने जो है ना सारी सफाइयाँ वगैरह भी करनी थी, तो जब लाइट होती है सुबह सुबह, मतलब दोपहर का टाइम था, तो यहाँ पर जो है ना वो लाइट थी, तो मैंने सारे काम कर लिए थे। और कुछ कपड़े मामा ने धोए थे तो वो मैंने तय करके जो है मैंने अलमारी में कर दिए सारे ही। और उसके बाद जो है ना भाई ये सीन थे कि ये सब कुछ करने के बाद जो है ना हमारी लाइट तो थी नहीं पूरा दिन, जुम्मे वाले दिन, तो यहाँ मैंने कुछ जो है ना अपने ब्रश वगैरह धोए थे, समोसे वगैरह मैंने खाए, थोड़ी सी चाय पी, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं खाना बनाने के लिए बैठी थी, क्योंकि जो है ये जुम्मे वाले दिन था, तो मम्मी ने कहा कि आप जल्दी जल्दी से कोई भी किस्म की अखनी शकनी जो भी है वो बना लो, तो मैंने कहा भाई सबसे ईजी जो है ना वो आलू अंडे की अखनी जो है ना वो होगी, तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है आप ये बना लो, और मम्मा चले गए थे चीज़ें वगैरह नीचे लेने, क्योंकि हफ्ते का दिन जो है ना वो वहाँ पर हफ्ते वाले दिन भी शादी, फिर जुमे वाले दिन भी शादी, और इतवार को भी शादी, तो ये सारे सीन जो है ना वो बड़ी कोई ख़तरनाक चल रहे थे। सो यहाँ जो है ना मैंने जो है फटाफट से अकनी का जो है ना आलू अंडी की अकनी जो होती है ना उसका मैंने मसाला वगैरह भुन लिया जल्दी जल्दी से, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं सारे झाड़ू पोछे वगैरह जो भी होते हैं वो सब कुछ करके फारिग हो चुकी थी, और अगर मोहम्मद बाकिर होते हैं तो कुछ ना कुछ जो है ना वो करते रहते हैं हरकतें, तो हम लोग जो है खेलते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बनती रहती है वीडियोस वगैरह, लेकिन यहाँ पर ये सीन हुआ कि मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मैंने जो है ना ऐसे ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो वही था कि बस तकरीबन कोई 7:30-8 बज रहे थे, सो अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई थी, और यहाँ पर जो है ना फुल ऑन लाइट्स आ गई थी, तो फिर पता है आपको कि क्या ये सीन होते हैं, तो जल्दी जल्दी मोबाइल चार्ज लगाया वगैरह और ये सही चीज़ें हुई। उसके बाद जो है ना हमारे आलू अंडे की जो अकनी थी उसके चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, और मैंने जो है ना फटाफट से जो है बना ली मेरी अपने आलू अंडे की अकनी, क्योंकि एक से एक ग्लास जितना ही था, क्योंकि भाई भी जो है वो शादी में थे तो भाई भी रुक जाते थे, क्योंकि लेट नाइट फिर वो आते नहीं थे, मामा ने कहा है कि भाई आप वहीं रुक जाया करो, क्योंकि वहाँ वाला इलाका जो है वो थोड़ा सा डेंजर है, तो फिर रात को 3-3:30 बजे फ्री होते थे, तो इसलिए वो नहीं आते थे। सो हम तीन जाने जो है वो घर के अंदर होते थे। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने जो है हफ्ते की सुबह हो गई थी, और मैंने जो है ना नाश्ता करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और मामा ने कहा कुछ खा लो, तो यहाँ रोटी और चाय थी, तो मैंने रोटी और चाय का नाश्ता किया। उसके बाद फिर सुबह क्या थी भाई तकरीबन 3:30-4 हो रहे थे, और मैं जब उठी ना तो पानी वाले ने पानी भी दे दिया, तो मैंने क्या किया भाई सारा पानी वगैरह भरा, बर्तन वगैरह तो ये सारी चीज़ें की, और जो है ना फिर उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री होकर झाड़ू पोछा वगैरह करके फिर मैंने जो है जल्दी जल्दी चिकन का सालन और चावल बनाया। और जो है लाइट उस दिन भी इतनी नहीं थी, आना जाना कर रही थी बार बार, तो मैंने क्या किया फ़ोन को अगेन चार्ज में लगा दिया। और उसके बाद जो है ना ये है कि भाई रात को टाइम होता था तो फिर ससुराल जाना भाई के, और ये सारी चीज़ें जो है ना ऑन एंड ऑफ चलती रहती थी, तो यहाँ जो है ना चिकन का सालन और चावल हमने पेट भर के खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह करके। और इसके बाद जो है ना फिर क्या हुआ भाई, मैंने रात को जो है ना हफ्ते की रात को तकरीबन 12:30-1 बज रहा था, तो मैंने मामा को कहा कि मैं जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह ही सुबह में इतवार वाले दिन जो है ना उसकी सास के घर पे जाना था, मतलब कि आंटी के घर जाना था, तो मामा ने कहा हाँ जल्दी से कर लूँ, क्योंकि सुबह जो है वो लाइट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पता नहीं क्यों इतनी लाइट जा रही है, हमारे यहाँ नहीं जाती, और जाती है तो हम सब पागल हो जाते, तो तकरीबन 2:30 बजे तक जाना था, पर हम उठे, फिर मैंने सारी सफाई वगैरह की जल्दी जल्दी घर की, और जो है ना सारी चीज़ें जो है ना वो कर रही थी, तो भाई की कॉल आई कि भाई मुझे जो है ना निकाह में रात को कपड़े पहनने, शूज़ पहनने, जो भी हैं ये सारी चीज़ें जो है ना, इसकी चप्पल वगैरह बैग पैक किया मैंने भाई का, और भाई के लिए लेके गई, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो घर आता और फिर सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता ही है निकाह वाले घर में कितने काम होते हैं, 100 काम होते हैं। सो खैर यहाँ पर मैंने इसका बैग पैक किया, और जो है ना मामा, मैं और बाजी जो है वो निकल चुके थे, लेकिन बाजी जो है वो अपने हस्बैंड के साथ जो है बाइक पे आई थी, और मैं मेरी मामा जो है वो रक्षे में चले गए, और जो है ना हम घर पहुँचे, फिर दुल्हन से मिले वगैरह, सब कुछ रस्में हुई वहाँ पर तहलाओ की, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर बिरयानी और जो है ना मोन थाल और जो है ना गाठिया शाठिए जो है वो बने हुए थे, क्योंकि ये जो है ना हमारे यहाँ पर दोपहर में भी खाना खिलाते हैं। उसके बाद जो है ना बड़े मज़े का हमने निकल के घर से, उनके घर से निकल के गोला गंडा खाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी,
इतनी गर्मी थी इतवार वाले दिन कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो हमने फिर जो है ना यहाँ से गोला लिया और गोला एंजॉय करते करते हम घर पर पहुँच गए। और घर पहुँचने के बाद जो है ना फिर हम दोबारा से ऊपर गए और मामा जो है वो किसी का 40वां था तो मामा वहाँ चली गई और मैं जो है ना घर जाके ऐसी सोई हूँ कि तकरीबन 8 बजे थे मैं उठी। फिर मामा ने कहा भाई जल्दी करो क्योंकि रात को भी निकाह में भी जाना है। तो मैंने कहा बस ठीक है आप थोड़ी सा वेट करें मैं अभी खड़ी हो जाती हूँ। तो फिर मैं जो है ना सारी चीज़ें अपनी निकाल के बैठी थी। यहाँ पर अपनी मैक्सी वगैरह मैंने जो है ना डिसाइड करके रखी थी कि ये पहननी है और जो है ना सारी चीज़ें मैंने पैक कर लिया था। यहाँ पर बैग भी रेडी था, जो चीज़ें वहाँ पर देनी थी वो भी हमने रेडी कर ली थी। और उसके बाद जो है ना हम हॉल में पहुँचे और हॉल का कुछ ऐसा सेटअप था क्योंकि रात को खाना जो है वो नहीं खिलाया था आंटी अंकल ने। तो हमने जो है ना बस यही था कि हम बैठे हुए थे और कोल्ड ड्रिंकें वगैरह पी और जो है ना रुख्सती जैसे ही हुई ना दुल्हन की फिर हम अपने घर पर आए। क्योंकि हमारा जो है ना वो लास्ट तक होता है सीन बैठने का क्योंकि मामा का और जो है ना मतलब हमारी जो भाई की सास है ना उसका कभी भी ये रिलेशन नहीं हमारे साथ कि वो भाई की सास है। क्योंकि वो जो है ना हमें हमेशा से मेरे पापा की भाई बहन बनी हुई है ना तो वो पप्पो वाला ही उनसे हमारा रिलेशनशिप है और उनके बच्चे भी जो है ना मेरे पापा को मामू ही कहते हैं। तो फिर जो है ना हमने वापसी में बर्गर लिए और हमने जो है ना घर आकर बन कबाब खाए और दोपहर की बिरयानी थी लेकिन हमने खानी नहीं थी क्योंकि जो है ना घर पर भी दी थी आंटी ने पर वो हमने खानी नहीं थी। तो फिर रात को हमने बर्गर खा लिया उसके बाद हम सो गए। फिर जो है ना ये नेक्स्ट डे मतलब कि मंडे का दिन है और यहाँ पर हमने जो है ना मैंने फटाफट से भिंडी जो है ना वो बना ली थी अचारी भिंडी और अचारी भिंडी की मैंने ये वीडियो जो है वो अपलोड नहीं की क्योंकि मेरी मामा के पास फ़ोन है और उसमें जो है ना अचारी भिंडी की मैंने शायद टिप्स कुछ बनाई थी बट मैंने वो ऐड नहीं की। बट ये कि मैंने अचारी भिंडी बनाई थी बहुत ही मज़े की। और जो है ना मामा दोबारा किसी की शादी और किसी की किस्में और किसी की किस्में जा रही होती हैं क्योंकि मामा का घर में पैर नहीं टिक रहा क्योंकि ढेर सारे कार्डों का जो है ना वो कहते हैं ना अंबाड़ लगा हुआ है। सो मामा जो है वो अटेंड करती रहती है और मैं जो है ना बस मेरे भाई की जो है ना साली उनके घर पर ही जा रही हूँ बाकी कहीं पर भी नहीं गई। खैर तो यहाँ पर जो है ना ये कल का ब्लॉग है जो कि था भाई वलीमे का जो कि बहुत ही मज़े का था बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था खाने वगैरह का भी। सो यहाँ पर जो है ना ढेर सारी जो है वो किस्म की जो चीज़ें थी माशाल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम बस में गए थे उनके साथ ही और उनके साथ ही हम अपने घर को निकले और ये था भाई कौशल के घर के पास हुसैनाबाद पे हॉल और बहुत ही मज़ा आया। लेकिन जब भी हम मैं कौशल के घर जाऊंगी तो इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ का व्लॉग ज़रूर बना के दिखाऊँगी। बट ये कि ये बस का कुछ जो है ना सीन थे बस वापसी में जब हम आ रहे थे सो ये वहाँ के मैंने कुछ कुछ क्लिप्स जो है ना वो बना ली थी क्योंकि मुझे दिल समझ याद आया कि यार मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ मैं क्यों भूल जाती क्योंकि गर्मी कल भी इतनी थी शदीद। खैर तो उसके बाद जो है ना दुल्हा साहब जो है उन्होंने हमें इतना सारा खाना दे दिया था क्योंकि पापा जो है वो नहीं आए थे तो पापा के लिए जो है ना उसने खाना दिया था। बोला नहीं नहीं आप लेकर जाओ। तो समीर भाई ने ढेर सारी चीज़ें और ये देखें ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सारी जो है आइटमें थी वहाँ पर और ये जो है ना ये हमें इतनी सारी चीज़ें उन्होंने कल दी। सो हमने क्या किया भाई पापा को थोड़ा सा खा लिया पापा ने थोड़ी सी वही रात की तरह ही उस दिन निकाह की रात की तरह ही और आज भी थोड़ा सा पापा ने खाना खाया। और उसके बाद हमने जो है ना वो सारी चीज़ें फ्रीज़र कर दी और उसके बाद जो है ना आज हमने दोपहर में मतलब कि रात में जो है ना ये सारी चीज़ें खा ली क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और कल जो है ना मम्मा ने सारे कपड़े फिर से धो लिए थे हमने रात को ही क्योंकि ढेर सारे कपड़े हम जो है शादियों में जाते हैं ना तो फिर ढेर सारे कपड़े होते हैं तो वो भाभी के भी हमने कपड़े मंगवा लिए थे कि आप दे दो क्योंकि शादी वाला घर है उनके घर में ढेरों काम होते हैं। फिर हमने फटाफट जो है ना वो सारे कपड़े वगैरह धोए। फिर मैंने केरी का मुरब्बा हमने बनाना था तो मैंने यहाँ पर केरी जो है वो कद्दूकश कर दी। मामा ने कहा भाई आप केरी कद्दूकश कर दो। फिर बैठे थे फिर बातें और फिर जो है ना रात को हमने वही सारी चीज़ें दे दी जो समीर भाई ने हमें दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पेट भर के खाया। बस एक चीज़ ऐड की थी वो थी चाय जैसे कि लस्सी जिसको कहते हैं वो हमने बनाई और वो हमने एंजॉय करके पी ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था आज का व्लॉग। लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।